एक मिनट, शेयर हो गया है। चैट ला दो यहाँ पे। चैट ला दो। ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों, अब वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा सा भैया, वॉल्यूम कम कर दो। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि आज से जो है सुलेमान सर आप लोगों का एक इंटरेक्टिव सेशन लेंगे एक घंटे का। ये सुलेमान सर आपके बीच आ चुके हैं, बहुत बिजी शेड्यूल था इनका, काफ़ी रिक्वेस्ट पे जो है इन्होंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। ठीक है, तो आज आपका जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे, वॉल्यूम देखिए ना वहाँ पर, जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन सबसे मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको, जैसा कि आपको पता है कि DI बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, 72 मार्क्स के दो क्वेश्चंस करने होते हैं, 36-36 मार्क्स के, ठीक है, 72 मार्क्स के, और IR, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में सुलेमान सर का एक बहुत अच्छा कमांड है, वो मेंस में आपका IR भी देखेंगे। और अभी आपको एक घंटे के पीरियड में वो प्रीलिम्स में जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका एक दो नंबर से छूट जाता है उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग। और जो 72 मार्क्स के जो मेंस के हैं आपके, जिसको जिससे स्टैट्स कहते हैं, स्टैट्स बेसिकली नहीं रहा, वो डेटा इंटरप्रिटेशन रहा, तो वो उसके बारे में आज आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगे और बताएंगे कि आपका अप्रोच कैसा है। आप लोग इनका सेशन बहुत ही ध्यान से सुनिए और जो भी डॉट्स है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, मन में कोई शंका है, आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं माइक सुलेमान सर को दे रहा हूँ, अब वो सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, आइए सुलेमान सर, वेलकम करते हैं परम आयुष। आपका पता है कि एक्चुअली, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो प्राची है ना, जिसका आप लोग से मिल चुके हैं, प्राची और काजल, ठीक है, सुलेमान सर ने उनको भी पढ़ाया है, और IR वगैरह, IR DI दोनों सर, दोनों पढ़ाया आपने, और दोनों सिलेक्टेड ऑफिसर हैं। तो आप लोग भी उस मौके का फ़ायदा उठाइए, सर के पास जितना भी है लेने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ सर, सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? सब लोग पहली बार BPSC देने जा रहे हैं या इससे पहले दे चुके हैं? कुछ लोग, कुछ चेहरा तो लगता है कि शायद देखा देखा सा है, शायद एक दो, पता नहीं, शायद। ठीक है, वैसे आप लोग मुझे जानते हैं कि पहले से क्या? कुछ लोग, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले मैं वैसे परम आईएएस में क्लास ले चुके हैं हम, आपको शायद पता नहीं है, 67 का जब मेंस हो रहा था तो उस टाइम हम IR और DI दोनों हम भी पढ़ाए थे। दोनों पता होगा मेंस में कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है DI और IR का, जानते हैं ना? और उस टाइम क्या हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम DI में और IR में दोनों में सेलेक्ट करके लाए थे। तो IR का जो पूरा एक सेक्शन होता है जिसमें तीन क्वेश्चन लिखना होता है, GS1 में पता होगा, तीन सेक्शन होता है ना GS1 में, हिस्ट्री होता है, IR होता है, और क्या होता है तीसरा सेक्शन? हाँ, DI होता है ना। तो पहला पेपर का दो सेक्शन हम कराए थे यहाँ पे उस टाइम, DI और IR। तो करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन था उसमें से हम जो यहाँ पे पढ़ाए थे, एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, तो पूरा ही मैच कर गया और स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन सेलेक्ट करके लाए थे हम कि क्या क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इतना आइडिया है एग्ज़ाम की तैयारी कराते करते, खुद करते करते, कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस टाइम हम भी बहुत सरप्राइज थे कि एज इट इज़ वही क्वेश्चन आया जो हम पढ़ाए थे, और जो टॉपिक बोले थे कि क्या कहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको देना है, वही सब क्वेश्चन एग्जैक्टली वही पूछा गया था। तो उस टाइम कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए BPSC में, पता भी होगा आप लोग को, इस कोचिंग में साथ प्राची वगैरह का नाम जानते होंगे आप, तो प्राची तो एक दो नाम है, ऐसे एक दो लोग को जानते होंगे शायद आप, लेकिन इस तरह के एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से बीपार्ट में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं 6-7 का, उसमें से हर 3-4 में से एक लोग को जानते हैं लगभग, मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 150-200 लोग जानते हैं। तो काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उससे फ़ायदा मिला, क्योंकि BPSC का अच्छा नोट्स IR करंट अफेयर्स में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप जानते होंगे। मेंस की तैयारी शायद आप लोग किए नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना? PT कर रहे हैं अभी, है ना, कर रहे हैं। तो मेंस का नोट्स देखिएगा कि कंसाइज नोट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है BPSC में, तो ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि पढ़ा तो बहुत लोग देते हैं लेकिन उसका एक एग्जैक्ट नोट्स क्या होना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है। तो हम खुद से बना के लाए थे अपने राइटिंग में, और खुद की राइटिंग में लिख के दिए थे, तो एज इट इज़ बच्चे रट के एग्जाम में जाके सेम टू सेम कॉपी करके आ गए थे, तो फ़ायदा बहुत हुआ था, सिलेक्शन काफ़ी लोग का हुआ, कई लोग SDM बने, कई लोग DSP बने उसमें से,
और खुद हम भी बीपीएससी में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, शायद इतना तो जानते होंगे है ना। तो 66 बीपीएससी से हम बिहार में अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पोस्ट होता है। जानते हैं क्या आप लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जानते हैं क्या? जिला परिवहन पदाधिकारी जानते हैं क्या काम करते हैं? जिला परिवहन पदाधिकारी DTO क्या? अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं क्या? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? गेस किए हैं आप, ठीक ही गेस किए हैं, कोई गलत गेस थोड़ी किए हैं आप। असल में इस जो हम जिस सर्विस में हैं ये बीपीएससी से ही इसमें सिलेक्शन होता है। इस पोस्ट का नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। तो पटना में इसका दो पोस्ट होता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोस्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ही होती है इसमें। तो किस्मत से मेरी पोस्टिंग पटना में हो गई और पटना में अभी दो लोग हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, हम हैं और एक और हैं। और इसके बाद जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में, उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में होता है, उसका लास्ट पोस्टिंग प्रमोशन जो होता है वो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में होता है। ठीक है, तो अभी मेरी ज्वाइनिंग पोस्ट जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की है। और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस का काम क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस का काम क्या होता है सनी, बता दें जरा पीछे क्या होता है? DTO ऑफिस में क्या काम करते हैं हम लोग? तो पटना में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं मान लीजिए अभी अभी इस टाइम पे, वो उस पर सारे गाड़ियों पे कहीं ना कहीं जो ये पोस्ट है हमारा, इसका स्टेक होता है। स्टेक होने का मतलब है कि कहीं भी उसको रोक के हम चेक कर सकते हैं उसके पेपर्स। तो आपको लगे कि बस पेपर चेक करने का काम है क्या? ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं आप लोग? नहीं, एक पार्ट है ये, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉब है कि हम किसी गाड़ी को कहीं भी रोक के चेक कर सकते हैं पेपर्स का। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें चेक करते हैं, मेनली कमर्शियल गाड़ियाँ जो होती है ओवरलोडिंग चलती हैं उस पर हमें इन्फोर्स करना होता है। एक लॉ सरकार चाहती है कि गाड़ी ओवरलोडेड ना चले और गाड़ी का पेपर ठीक रहे, गाड़ी में मॉडिफिकेशंस नहीं हो, तो ये सब चीज़ होता है। गाड़ी का एक पावर है हमारे पास, तो ये एक ऐसा पावर है जो कि हर पब्लिक से, हर आदमी से हमें जोड़ देता है, क्योंकि हमको लगता है कि आप कहीं ना कहीं हर कोई गाड़ी का इस्तेमाल तो करता ही है ना। तो आप सारे मेरे स्टेक होल्डर हुए यहाँ पर इस तरीके से, स्टेक होल्डर मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक ड्राइविंग लाइसेंस जो आप देखते हैं गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ना, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत पड़ती है, बिना लाइसेंस चला नहीं सकते ना आप। फ़ाइन कितने का है बताना? बिना ड्राइविंग लाइसेंस का 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन होता है उस पर। तो ये भी हमारा ही काम है इन्फोर्स करना, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो कि पूरे सिस्टम में है हमारे साथ ऑफिस में, जो इस काम में हमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फाइन होता है सब चीज़ों पे। तो लाइसेंस बनाता भी हमारा ऑफिस ही है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जानते हैं। जब आप नया गाड़ी खरीदते हैं ना तो उसका जो RC कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो हमारे ऑफिस से इशू होता है, DTO ऑफिस से इशू होता है। तो ये सब गाड़ी से संबंधित जितना काम है वो सब हमसे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो एक काफ़ी मतलब पब्लिक का जो ऑफिस है, मतलब इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस हुआ ये, क्योंकि गाड़ी से संबंधित जितना चीज़ हो गया वो सब चीज़ से जुड़ा होगा। पुलिस में अगर आपकी गाड़ी कोई मान लीजिए चोरी की गाड़ी है या फिर क्राइम करके भाग रहा है, तो उस गाड़ी को पहले पुलिस वाले पकड़ेंगे, थाना में लगाएंगे, फिर उसका डिटेल्स कहाँ से लेंगे? वो हमसे लेंगे, क्योंकि गाड़ी का डिटेल्स हमारे पास सारा होता है। तो कहीं ना कहीं हम पुलिस से भी जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, और आम पब्लिक से तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दूसरा, एक माइनिंग जानते हैं ना, खनन, तो इल्लीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते होंगे, हर जगह सुनने को मिलता है ना। बालू माफिया का नाम सुने हैं क्या आप लोग? तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो बालू माफिया पे जो इन्फोर्स करने का काम होता है, एक माइनिंग ऑफिस का होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफिस का होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो ऑफिस का भी काम है और फील्ड का भी काम है। ऑफिस में बैठे बैठे क्या करते हैं हम? ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इससे संबंधित काम करते हैं। जैसे आप गाड़ी खरीद बेच करेंगे तो वहाँ भी हमारा स्टेक आ जाता है, और रोड पे भी काम है हमारा, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सब सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हुए, समझ रहे ना। तो एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस है ये। चलिए हटाइए, ये सब चीज़ में शायद आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि पहले हम PT तो निकालें, फिर मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, नौकरी तो लगे पहले, क्या बात, क्या करेंगे जान के, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ये एक काफ़ी देखेंगे तो एक रेस्पेक्टेड ऑफिस है और अच्छा ऑफिस है, जिसमें आप हर टाइप के लोग से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि हर किसी को काम होता है यहाँ पे हमारे ऑफिस में ना, हर किसी को काम पड़ता है। कैसे काम पड़ेगा? तो गाड़ी का जब भी खरीदेंगे आप, तो चाहेंगे कि कार्ड जल्दी मिल जाए हमें, किसी को बेचेंगे आप तो चाहेंगे स्मूथली वो काम हो जाए लाइसेंस के लिए। तो हर तरीके से लोग हमसे जुड़ते हैं,
हर प्रोफाइल के लोग, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर मिनिस्टर हो, हर कोई जुड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चलिए ये सब चीज़ तो खैर मेरे जॉब से रिलेटेड हो गया, उसका अब पढ़ाई पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये आपको ये बता दें कि बीपीएससी में जो पोस्ट्स हैं आप देखते होंगे, आप लोग ज़्यादातर चूज़ करना चाहते होंगे एसडीएम, है ना, बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कुछ लोग चाहते होंगे डीएसपी बने, है ना, बहुत कुछ लोग चाहते होंगे बीडीओ सीओ, गांव में देखे होंगे कितना ज़्यादा उनका रेपुटेशन स्टेटस होता है बीडीओ लोगों का, है ना। क्या मन करता है आप लोग का बनने का, कुछ बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। डीओ, अच्छा डीईओ, अच्छा ठीक है, वो प्रमोशनल पोस्ट होता है, वो तीन दो प्रमोशन के बाद बनते हैं उसमें, डीईओ। हाँ और बताइए आप लोग क्या बनने का मन करता है आप लोगों को, एसडीएम। क्या कुछ एम लेके चलेंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे ना, सबसे पहले एम लेना ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं कि बहुत इरेशनल बातें हो गई अगर आप एम ले रहे हैं तो। तो बाकी लोग क्या मन करता है, किसी को बीडीओ बनने का मन करता है क्या, अच्छा पोस्ट है, डीएसपी बनने का मन करता है, ठीक है चलिए अलग, ठीक है तो ठीक है अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनसे भी हम ऐसे ही पूछते थे पहले, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे और भी स्टूडेंट्स थे जो आपकी तरह ही उदास रहते थे, उनको लगता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, रोज़ घर पे जाके डिप्रेस होते थे, रोज़ सोचते थे कि यार क्या मेहनत कर रहे हैं काम आएगा कि नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो मेहनत करके क्या फ़ायदा है। तो ये जो एक परसेप्शन होता है ना प्रिपरेशन टाइम पे, जो चैलेंजेस झेलना होता है सालों साल का, कम से कम एक साल तो तैयारी करना पड़ता है ना, तो एक साल का जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है इसे हर कोई गुजरता है, आप यूनिक नहीं है, पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए, हर कोई गुजरता है। तो हम हर किसी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि एक सपना जब रखेंगे ना, एक होप होगा, एक उम्मीद होगा ना, तभी पढ़ने का मन करता है, उम्मीद नहीं होगी तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक टारगेट लेके चलिए, कितना मार्क्स लाना है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब प्रीलिम्स में देखेंगे आप, तो इसमें सब्जेक्ट्स देखेंगे तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इसमें करंट अफेयर्स है, साइंस है, मैथ्स है। तो इसमें हमको लगता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें सब सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं आप, मतलब परसेंटेज वाइज बोले तो, नंबर तो हर किसी सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं ना, हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 के आसपास आते हैं ना, साइंस में 30 आता है, मैथ्स में 10 आता है, वैसे ज्योग्राफी में 20 आता है, इकोनॉमी में लगभग 10-15 आता है, पॉलिटी में उतना ही आता है 10 के आसपास। परसेंटेज वाइज स्कोर देखेंगे आप तो हिस्ट्री में अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लेते हैं आप, लगभग 80-90% स्कोर कर पाते हैं, समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना। जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपका मार्क्स लगभग 30 में से 25 के आसपास तो आ ही जाता है, है ना, एक अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो इतना पहुँच जाएगा, ठीक है। और साइंस वगैरह में देखेंगे तो साइंस में कट जाता है मार्क्स, 30 में 20 के आसपास पहुँचता है। टेस्ट दिए हैं आप लोग कभी इससे पहले? दिए ना, तो क्या मतलब ये आइडिया लग रहा है जो नंबर्स बता रहे हैं आपको। फिर मैथ्स में देखेंगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, किसी का मैथ्स में 2 ही सही होता है, किसी का 8 सही हो जाता है, ये वेरिएशन देखें ना मैथ्स में। तो मैथ्स में ये वेरिएशन होने का एक रीज़न ये है कि प्रैक्टिस, मैथ्स में सिर्फ 4 पोर्शन से सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आता है ना, 4 टॉपिक जो है, क्या क्या टॉपिक बताएंगे मैथ्स में, बस 4 टॉपिक है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिकली ये जो 4 टॉपिक है मेंस में इस 4 पे फोकस किया जाता है। आप देखेंगे तो मेंस में देखेंगे ना तो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एवरेज इन सब पे मेंस में बस इसी 4 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं आता है बीपीएससी मेंस में। पीटी में देखेंगे तो इन 4 से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा कुछ रीजनिंग का पार्ट भी ऐड करता है, देखिए ना आप, रीजनिंग का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही रहता है ये, मोटा मोटी थोड़ा बहुत ही लेवल अप करता है, लेकिन पीटी में थोड़ा सा मैथ्स में टॉपिक और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेंस में बेसिकली इस 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। मेंस में हम इसलिए बताना चाहते हैं ना कि वो इंपॉर्टेंट है मेंस, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस के मार्क्स से पूरी तरह से। पीटी में आप कितना भी लाएं उसका मार्क्स तो ऐड होना नहीं है ना, मेंस का मार्क्स ही ऐड होगा ना, तो मेंस में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन पैटर्न देखे हैं हम जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए अभी तक, क्योंकि हम तो लगभग समझ सकते हैं हज़ारों लोग से मिले हैं जो सेलेक्टेड हैं, बहुत लोगों से मिले हैं। इनफैक्ट हम खुद जब भी पार्ट में ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेरे साथ 600 लोग तैयारी कर रहे थे, उस ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के थे सब लोग, अलग सर्विस के। उसके बाद अगला बैच जो गया 6-7 का, उसमें से भी 200-300 लोग तो हम 200 लोग तो कम से कम जानते ही, हमको मोटा मोटी 1000 ऑफिसर्स को तो हम जानते हैं अभी तक जो बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं। तो एक चीज़ हमको जो कॉमन देखने को मिला है वो ये है कि सेलेक्ट वही हुआ है जो डीआई में गलती नहीं किया है, जो डीआई में गलती कर दिया ना मेंस में वो रिजेक्टेड है फॉर श्योर। इसलिए ये बोलना चाह रहे हैं
कि डीआई में 72 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जानते हैं आप, 72 नंबर क्वेश्चन आता है ना, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, पता है ना आपको ये बात। देखिए अगर पहले थोड़ा पीटी का बात करते हैं, फिर मेंस का बता देंगे आप लोगों, लेकिन हम इस मैथ्स का बात करना चाह रहे थे, इसलिए हम मैथ्स का इंपॉर्टेंस बता रहे थे आपको क्या है। तो पेपर वन में जो डीआई होता है ये 72 मार्क्स का आता है, और ये 72 में 72 स्कोर करना बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा आसान। जो इस कैलकुलेशन में गलती कर दिया वो रिजेक्टेड रिजेक्ट होगा ही होगा, जो इसमें गलती नहीं किया उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस देखेंगे ना आप, तब देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है बीपीएससी में, हिस्ट्री में खासकर देखेंगे आप कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखें आप लोग ऐसा एनालाइज किए हैं पेपर उठा के कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, नहीं देखे हैं कितना क्वेश्चन हिस्ट्री में तैयार करेंगे लगभग, तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे, तीन क्वेश्चन करना होता है ना हिस्ट्री में, कितने क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको तीन क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। कोई बोल रहा है 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री में तो वहाँ पे हमको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई और बता सकता है कितना क्वेश्चन तैयार करेंगे हिस्ट्री में कि लगभग सारा क्वेश्चन मिल जाए हमको वहाँ पे? ठीक बता रहे हैं नंबर्स, आप ठीक ही बताए हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं। इसी तरह पॉलिटी में भी है ना, इसी तरह आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है ये चीज़ इकोनॉमी के लिए भी अप्लाई होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। तो आप देखेंगे बीपीएससी का सिलेबस तो कुछ कोर फोकस एरिया है जहाँ पे आप तैयारी करेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, दुनिया भर का नॉलेज नहीं चाहिए बीपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए, कुछ पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो वो फोकस एरिया समझना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक्सपीरियंस आदमी आपको बताए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि यहीं पे मेरा रोल इंपॉर्टेंट हुआ 6-7 मेंस में, जब हम स्टूडेंट्स को जब वो टॉपिक्स बताएं और उसका आंसर लिख के दिए और वो एज इट इज़ याद कर गए उसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप याद कर जाना, 3-3 पेज का आंसर लिखना होता है, 4-4 पेज का, जानते हैं ना आप, मेंस में 4 पेज का आंसर लिखना होता है ना, है ना? बीपीएससी नहीं बोलता है कितना वर्ड्स में लिखना है आपको, फिक्स नहीं करता है, लेकिन अगर 36 से 38 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 36-38 नंबर का, तो लिखना पड़ेगा ना आपको कुछ पेज, कंटेंट देना पड़ेगा। तो 4 पेज का आंसर अच्छा एक कंटेंट तैयार करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं आंसर तैयार करने में, मतलब आप लोगों को भले बुरा लगे ये चीज़ सुन के, लेकिन ये फैक्ट है कि आंसर तैयार करने में ना बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, उनको सोचते हैं कि यार कौन बैठ के लिखता रहे, पीटी बढ़िया तैयारी था पीटी का, सिर्फ पढ़ो टिक मारते रहो, टिक मारने वाला पढ़ाई इतना अच्छा लगता है कि मेंस में जाके वो हाँ कलम चलाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे हम एक डिफरेंस नोट किए हैं, जब हम खुद देखें ना बच्चों को 6-7 में, कि एक प्राची जो लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ है और एक और लड़की थी, वो दो जो लड़कियाँ थीं और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लड़के थे, लेकिन वो दो लड़कियों स्पेशली हम बता रहे हैं कि वो दो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कलम चलाती थी, बहुत लिखती थी, और ये यहीं पे हम डिफरेंस नोट किए। प्राची का तो कॉपी अभी भी मेरे पास टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, हम लोग कॉपी चेक करते रहते थे, ऑनलाइन कर कर भेजते रहते थे ग्रुप में, जब भी वो लोग आंसर लिखे भेज देते थे मुझे, हम चेक करके भेज देते थे, तो उस वो इतना ज़्यादा कलम चलाती थी, मतलब लिखने में डरती नहीं थी, बस यही एक उसमें डिफरेंस नोट किया है। एक और लड़की थी वो भी लिखने में डरती नहीं थी, वो भी खूब लिखती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं होने का बस एक ही रीज़न था कि उसका ऑप्शनल में नंबर कम रह गया था, 6-7 मेंस में ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शन में मार्क्स बहुत कम मिला था, उसका जीएस में जो नंबर था ना, जिस जो लड़की रिजेक्ट हुई थी उसका जीएस में नंबर बाकी लोगों से जो सेलेक्ट हुए थे उनसे भी ज़्यादा था, लेकिन ऑप्शनल में सिर्फ 135 मार्क्स स्कोर की थी 300 में। प्राची बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर की थी, चलिए सेलेक्ट हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक आप नाम जानते हैं इसलिए उसका नाम बता रहे हैं आपको जो सेलेक्ट हुए हैं। अब तो ऑप्शनल हट भी गया है, ठीक है, अब तो वो वेरिएशन नहीं रहेगा ना कि इस ऑप्शन में ज़्यादा आता है उसमें कम आता है, तो आप लोग के लिए एक एडवांटेज है कि तीनों सब्जेक्ट एक जैसा है, सबके लिए एक बराबर है। तो लेकिन जिसका सिलेक्शन भले ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, उसका जीएस में मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन हम श्योर हैं कि वो नेक्स्ट टाइम निकाल ही लेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा अनअप्रोचेबल या फिर बहुत ही डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग लगता होगा कि इतना भारी एग्ज़ाम है, 5-5 लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं इसको, इन एंड आउट देख रहे हैं इस एग्ज़ाम को, यहाँ पे जो लोग हैं ना आपके कॉम्पिटिटर्स खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और खुद पीछे हट जाएंगे रेस में, आपको उनको पीछे नहीं करना है, आप सोच रहे हैं बहुत मेहनत करके हमको आगे निकलना है, नहीं, वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के खुद रेस से बाहर होते जाएंगे। कैसे मारेंगे? एक तो वो लिखेंगे नहीं आंसर्स मेंस के टाइम पे ना, आंसर नहीं लिखेंगे,
ठीक है, वैसे बाहर हो जाएंगे। दूसरा, बहुत डिमोटिवेट होंगे और बहुत डिप्रेस होंगे, उस वो डर के मारे पढ़ाई छोड़ देंगे। तीसरा, वो सोचेंगे कि पता नहीं ये बीपीएससी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो एसएससी या बैंकिंग रेलवे का फॉर्म भरते हैं। इस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर्स ना हमेशा रेस से बाहर होते रहेंगे। और सिलेक्शन किसका हो जाएगा? जो बहुत ही स्मूथ स्लो पढ़ाई कर रहा है, आराम आराम से पढ़ रहा है, चार चार घंटा डेली का भी ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो आप सुने होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर खुद बाहर होते जाएंगे आपके रेस से। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करते रहना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंस में ये होता है कि आपको लिखना ज़रूरी है, ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिला है मुझे कि लोग सोचते हैं क्या कि लिखेंगे तब जब पढ़ लेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब लिखेंगे, एक अच्छा आंसर लिखेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि पहला जो स्टार्ट हो ना, एकदम हीरो एंट्री हो मेरा, वो सोचते हैं कि पहला जो आंसर लिखें गजब का आंसर हो कि मज़ा आ जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, और इसी सोच की वजह से वो लोग रह जाते हैं, जो लोग आंसर नहीं लिखते हैं ना, वो इसी सोच की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हम परफेक्ट आंसर लिखना है हमको, और परफेक्ट आंसर डजंट एग्जिस्ट। परफेक्ट आंसर कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं। एक सिंपल सा स्टोरी है, शायद आप सुने में होंगे, लेकिन हम फिर भी सुना देते हैं आपको। अच्छा बताइए, एक दो टीम है, दो टीम को टास्क दिया गया है कि आपको, एक टीम को टास्क दिया गया है कि आपको 100 घड़ा बनाना है, ठीक है, और दूसरी टीम को टास्क दिया गया है कि आपको सिर्फ एक घड़ा बनाना है। कॉम्पिटिशन है, जो अच्छा घड़ा बनाएगा वो जीत जाएगा। तो एक टीम को बोला गया है, डेज नंबर ऑफ दिन फिक्स है कि इतने दिन में बनाना है आपको, एक टीम को 100 घड़ा, एक टीम को बस एक घड़ा। तो बहुत सारे लोग मिलके एक घड़ा बनाएंगे और बहुत सारे लोग मिलके 100 घड़ा बनाएंगे, और उसके बाद क्वालिटी कंपैरिजन होगा कि कौन अच्छा घड़ा बनाया है। तो आपको कौन क्या लगता है, कौन जीतेगा इसमें? क्यों 100 वाला जीतेगा? एक जो बना रहा है, इतने सारे लोग मिलके एक घड़ा बना रहे हैं, वो तो परफेक्ट घड़ा बनाएंगे ना? नहीं, बहुत सारे लोग मिलके जो एक घड़ा बना रहे हैं, वो तो प्लानिंग करेंगे ना, पूरा प्लानिंग करेंगे, पेपर के ऊपर डिज़ाइन तैयार करेंगे, उसका एकदम परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्या? दिमाग को ऐसा लगता है कि आप बहुत परफेक्ट प्लानिंग करेंगे, बहुत परफेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, सब कुछ सोच के रखेंगे, तो आप बेस्ट कंक्लूजन पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम बताते हैं क्यों? क्योंकि जो पहला, जो एक सिर्फ जिसको एक घड़ा बनाना है ना, वो बहुत प्लानिंग करेगा, वो अपना मेजर टाइम प्लानिंग में लगाएगा, एग्जीक्यूशन में, सोचने में, डिस्कशन में। उसका एक घड़ा जब बनाएगा ना, तो उसमें कहीं भी बारीकी और चूक हो गया ना, तो सुधार नहीं पाएगा उसको। समझ रहे ना, कोई चूक हो गया, कोई बारीकी हो गई, कोई गलती हो गई, सुधारने का मौका नहीं होगा उसके पास में। लेकिन जो 100 जिसको बनाना है ना, 100, वो क्या करेगा ना, सोचेगा टाइम तो है ही नहीं मेरे पास सोचने का, तुरंत हल्का सा डिस्कशन करेगा, सोचेगा, काम शुरू कर देगा, डे वन से, पहले दिन से ही काम शुरू कर देगा। वो पहले दिन पहला घड़ा सबसे बेकार क्वालिटी का बनाएगा, फिर उस अपनी गलती से सीखेगा, फिर सेकेंड टाइम थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, थर्ड डे उसके बाद थर्ड वाले में थोड़ा और इंप्रूवमेंट होगा। तो एकदम ही वर्स्ट क्वालिटी से शुरू करेगा 100 वाला, और एक्सपीरियंस से, अपने गलतियों से सीखते 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 100वें पे जाके ना, बहुत ही फाइन क्वालिटी का बना देगा वो। तो ये आप इस इतना बस बताना चाह रहे हैं आप इस लेसन से कि आपको अपने गलतियों से सीखना है, गलती नहीं करेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो आपको हम इसलिए बोले हैं कि आप जब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे ना, पहला आंसर जब लिखेंगे, बहुत ही घटिया क्वालिटी का आंसर होगा, एकदम लगेगा कि क्या हम कचरा आंसर लिखे हैं, देख के शर्म आ जाएगा कभी कभी आपको खुद, होगा ऐसा। लेकिन ये क्या है ना, ये आइस ब्रेकिंग, ये होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना, ये जो है, ये बैरियर टूटना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हम बस यही बोलेंगे कि घटिया आंसर से लिखना शुरू कीजिए, लिख डालिए घटिया आंसर, ठीक है, उसके बाद फिर लिखिए, फिर से घटिया आंसर लिखिए, लिखते जाइए घटिया आंसर, लेकिन रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो अपनी गलतियों से आप हर बार सीखते रहेंगे, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कहाँ हम गलती करते हैं, क्या मेरा स्टाइल है राइटिंग का, और उसके बाद हर बार इंप्रूव करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और वही लोग गलती कर देंगे जो सोचेंगे एग्ज़ाम आएगा ना, तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तब हम टेस्ट लिख के एग्ज़ाम में जाएंगे, उसमें से फिर कुछ एक आध टेस्ट लिखेंगे, फिर एग्ज़ाम में चले जाएंगे, गलती करके आ जाएंगे, ये होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपना प्रैक्टिस करते रहें और गलती करते रहें। गलती करना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, समझ रहे हैं ना। ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हम उन दो लड़कियों को एग्जाम्पल दिए, जो बहुत अच्छा परफॉर्म की थी 6-7 में, वो लिखती थी डेली, वो डेली लिखती थी और डेली हमको भेजती रहती थी आंसर्स अपना। हम भी मतलब परेशान हो गए कि इतना हम कैसे चेक करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स भी लिखते थे, बाकी लोग भी लिखते थे, लेकिन बाकी लोग बहुत कभी 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 आंसर्स हमको भेजते थे, बहुत रेयर आंसर भेजते थे। अभी मेरे पास टेलीग्राम में ग्रुप पड़ा हुआ है, उनका आंसर सबसे ज़्यादा था।
तो सिलेक्शन के चांस ऑब्वियसली बातें बढ़ जाएंगे उनके, है ना। कोई एक्स फैक्टर नहीं था, आप सोच रहे हैं कि एक्स फैक्टर था क्या जो कोई एसडीएम बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई एक्स फैक्टर नहीं था, बस प्रैक्टिस। एक आम इंसान आपकी तरह ही ऐसे ही बैठे हुए थे, उनके मन के अंदर भी उम्मीद था कि पता नहीं मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और उनसे ज़्यादा तेज लोग भी बैठे हुए थे क्लास में, जिनका सिलेक्शन हुआ ना, उनसे ज़्यादा तेज लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन सिलेक्शन बस उसी का होता है जो मेहनत करता है। इंटेलिजेंस का ये टेस्ट नहीं है ना, ये नॉलेज का टेस्ट है, समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं। IIT और CAT का एग्ज़ाम नहीं है ये। IIT CAT के एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, लेकिन BPSC जैसे एग्ज़ाम में इंटेलिजेंस का स्कोप कम है और नॉलेज का स्कोप ज़्यादा है, समझ रहे डिफरेंस, जानते हैं ना, नहीं जानते हैं। वैसे हम IIT भी निकाले थे, अब 2011 में IIT निकाले थे, IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए थे हम। उस टाइम हमको खुद फील हुआ कि वहाँ पे कितना दिमाग लगता है वैसे एग्ज़ाम में, बहुत दिमाग लगता है। लेकिन BPSC का एग्ज़ाम दिया ना, तो हमको समझ में आया कि दिमाग की ज़रूरत थोड़ी कम है और यहाँ पर मेहनत का ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा है, मेहनत का स्कोप बढ़ जाता है। पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं इस चीज़ को, हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। बाकी सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इसमें आप जितना मेहनत कीजिएगा ना, उसके प्रोपोर्शनली आपका मार्क्स बढ़ेगा, बढ़ता ही है जितना याद कीजिएगा। मैथ्स में याद करने से मार्क्स नहीं बढ़ता है, देखते हैं ना आप। कोई ऐसे भी लोग होंगे जो मैथ्स बहुत कम दिन पढ़ के बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, और कोई ऐसे भी लोग होंगे बहुत ज़्यादा पढ़ के भी मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में नॉलेज की ज़रूरत है, समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन मैथ्स में भी मेहनत से मार्क्स बढ़ता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही उसमें भी, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछिए हमसे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए। क्या बोल रही हैं, हाँ ये जो आपका जो पूछना है, क्वेश्चन पूछ रही है कि हमको डेली डाउट होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 5 लाख लोग हैं, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, सबको जानते भी नहीं है किसी कितना पढ़ने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि कोई 12-12 घंटा ही पढ़ रहा होगा, हम तो उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं, मेरे चांसेस कितने हैं सेलेक्ट होने के, ये क्वेश्चन जो है ना आपका। तो इसका आंसर हम थोड़ी देर पहले आपको किए थे अलग टर्म्स में, हमको ये बताए थे कि आप कॉम्पिटिटर रेस से हट रहे हैं। 5 लाख लोग जो है ना आप रेस में, वो रेस से खुद ही हट रहे हैं, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार मार के वो अपने आप को घायल करके बाहर निकल रहे हैं इस रेस में। इस रेस में बस वही जीतेगा जो बहुत तेज़ दौड़ने वाला नहीं जीतेगा, इसमें आराम आराम से दौड़ चल रहा है ना, बस वॉक करते जाना है पूरा सफ़र में, रुकना नहीं है, वो जीत जाएगा। आपको लग रहा है कि हमको 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 10 घंटा नहीं, 8 घंटे की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आराम से 4-6 घंटा पढ़ते हैं ना, जो 6 घंटा बहुत है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको लगातार चलते रहना है। और जो एक माइंड खुद पे सेल्फ डाउट जो होता है, ये बहुत कॉमन है, हर किसी को आएगा। आपको भी लगेगा ना कि हम थोड़ी ना कोई 99% स्कोर किए थे 10th में, ऐसे लोग भी तो देखे होंगे ना 98% 95% वाले। आपको लगेगा हम तो 90% भी स्कोर नहीं किए थे, हम तो उतना तेज़ हैं भी नहीं, मेरा चांसेस कहाँ से बनेगा। इससे पहले तो हम कोई PT भी नहीं निकाले हैं किसी एग्ज़ाम का, ऐसे भी लोग होंगे। तो आपको डाउट तो होना जेनुइन है, बिल्कुल जेनुइन है डाउट होना हर किसी को। लेकिन बस सिंपल सा इसमें बता दिया आपको कि आप मेहनत करते रहिएगा, चलते रहिएगा, सिलेक्शन तय है। ऐसे ऐसे लोग को सिलेक्ट होते हुए देखे हैं जिसको तो हमको खुद नहीं लगा था कभी कि सिलेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे लोग को सिलेक्ट होते हुए देखे हैं, आज वो SDM और DSP बने हुए हैं। मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन में उनको तो कभी उम्मीद ही नहीं था कि उनसे सिलेक्ट हो पाएंगे। जब PT की तैयारी किए, PT निकल गया उनका, मेंस टाइम पे मतलब लिटरली फ़ोन पे रोते थे कि मेंस हमसे होगा ही नहीं, मेंस में इतना लिखना होता है, कहाँ से लिख पाएंगे, इतना सारा नॉलेज चाहिए हमको, कहाँ से कर पाएंगे मेंस में। बहुत हम अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के उन लोगों को काउंसलिंग किए फ़ोन पे, कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर हैं उनसे काउंसलिंग कराएं, क्योंकि हमको उम्मीद था कि पोटेंशियल लगता था कि हो तो सकता है इनका। कुछ ऐसे पार्टिकुलर खास स्टूडेंट्स थे जिनको हमको लगता था कि चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हैं, उनको हम सिलेक्टेड ऑफिसर से काउंसलिंग कराएं फ़ोन पे। मतलब ये जो एग्ज़ाम है पूरा, ये एक तरीके से आपको ना खुद को बैलेंस करना है, ये बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, जो कि एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक बीच टाइम पे आपके लिए, सेल्फ डाउट होता है हर किसी को। उनको हम काउंसलिंग करवाएं, मतलब सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट उनको हम स्ट्रैटजी बताएं, और उनका हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के एग्ज़ाम तक हम मतलब कह सकती हैं सपोर्ट दिए उनको हम। लास्टली मतलब पता चला कि इंटरव्यू कॉल आ गया उनका, और हमको भी उम्मीद था कि आ ही जाएगा, BPSC को इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं जितना कि हम लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते ज़्यादा है ना मुश्किल, हमको उम्मीद था कि आ जाएगा, उनको उम्मीद नहीं था। इंटरव्यू कॉल भी आया, मॉक इंटरव्यू लिया हम मॉक इंटरव्यू लिए उन लोगों का, और क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। कभी कभी आपको ऐसा ही फील होगा कि SSC बैंकिंग निकालना ज़्यादा मुश्किल है BPSC से, पता है किस कब फील होगा, अगर आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा BPSC ज़्यादा आसान एग्ज़ाम है, क्योंकि रटना कम है यहाँ पे। SSC बैंकिंग में कट ऑफ देखिए कितना ऊपर जाता है, और रटना कितना ज़्यादा पड़ता है।
एसएससी बैंकिंग का क्वेश्चन भले ही बहुत ईजी रहता है, लेकिन रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। और यहाँ पे उतना रटने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ एरिया है वो फोकस करिए और आंसर राइटिंग करते रहिए, सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ पूछिए, और किसी पूछना है तो बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। बीपीएससी का जो पीटी है 100 दिन का ही तैयारी होता है, इसमें ज़्यादा दिन की तैयारी की जरूरत थोड़ी है। बीपीएससी पीटी में 100 दिन तो बहुत होता है, कुछ पर्टिकुलर किताबी तो हैं जिसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना इसमें। हालांकि पीटी का जो पैटर्न है ना वो 69 में बहुत चेंज हुआ है, तो शायद आप लोगों को थोड़ा शॉक लगा होगा 69 का पेपर देख के। आप लोगों को लगा ऐसा कि कुछ चेंज कर दिया है 67 68 से? थोड़ा है ना चेंज किया है ना, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा है उसमें, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जो कभी पढ़े ही नहीं है, सोचे ही नहीं है, है ना। उन सब क्वेश्चन करने का एक स्ट्रैटजी होता है, एक तरीका होता है जो शायद आप लोग को अभी पता नहीं है। उसके बारे में हो सकता है कि यहाँ पे फैकल्टीज आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो आप कभी पढ़े ही नहीं है, कभी सुने ही नहीं है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है। ऑप्शन ई ठीक है, बोल रहे हैं बाकी लोग हट गया है, ऑप्शन ई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी डी है। हम एक चीज़ बोलेंगे बीपीएससी पीटी में कि कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे बहुत डिफिकल्ट पूछने लगा है 69 में, है ना, जो कि 67 68 तक नहीं था। ये नोट किया आप लोग कि नया नया टॉपिक जो कि किसी किताब में मिलेगा ही नहीं, आप लोग लूसेंट का घटना चक्र पढ़ के जा रहे हैं और पता चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, हो गया ना, अब खेल खत्म हो गया ना लूसेंट का घटना चक्र का, देख रहे हो ना आप लोग ये। पहले घटना चक्र लूसेंट का तो बहुत ज़्यादा वेटेज था, ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट उसमें जो पढ़ लिया ना, कोई हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, तो काम वहीं पर हो जाता था। लेकिन अब उसका गेम बहुत हद तक कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो बीपीएससी भी खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, जब उनका क्या क्या था सन्नी, जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम हम भी गए थे वहाँ पे बीपीएससी भवन में। यहाँ पे उस टाइम क्या बता रहे थे बताइए, कुछ बीपीएससी के बारे में क्या बता रहे थे वो बीपीएससी के चेयरमैन, बताइए कुछ भी बताइए, क्या बता रहे थे सर? उनसे पूछा गया था, सर आप जो बीपीएससी का पेपर सेट करते हैं तो बिहार का क्वेश्चन क्यों नहीं डालते हैं ज़्यादा, कोई पूछा, एक मीडिया वाला पूछा था, पूछी थी ना। और ये भी पूछी थी उनसे कि जो बीपीएससी का क्वेश्चन है ये गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं इतना जो टफ करते जा रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, जो कोचिंग कर रहा है उसके लिए तो आसान हो गया ना, ये बात हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे और वहाँ बैठे हुए थे हम भी, तो वो ये बात बोले थे कि हम बिहार का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, आप हम पे फोर्स नहीं करिए बिहार का क्वेश्चन डालने के लिए, आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको पूरे इंडिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब बिहार एज ए स्पेसिफिक उनके लिए डालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन कंप्यूटर रैंडम सेलेक्ट करता है, समझ रहे ना, जो कंप्यूटर है क्वेश्चन को रैंडम सेलेक्ट करता है। अच्छा बताते हैं, जो क्वेश्चन आता है ना 150 क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेट किया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना ज़्यादा होता है, 150 ही क्वेश्चन सेट नहीं होता है। उसके बाद कंप्यूटर ना हर सेक्शन से रैंडमली क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है, क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होता है, समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम। एग्ज़ाम में पेपर खुलने से पहले किसी को नहीं पता होता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन का नंबर ना ज़्यादा होता है, समझ लीजिए ऐसा कि 150 क्वेश्चन अगर डालना है ना तो 1500 क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर उसमें से रैंडमली कंप्यूटर सेलेक्ट करता है। तो इसीलिए बिहार का क्वेश्चन कई बार दिखता ही नहीं है आपको, एक भी नहीं दिखता है ना। पहले हिस्ट्री में देखे होंगे आप 65th या 66th के टाइम पे कि हिस्ट्री में 6-7 क्वेश्चन रहता था बिहार का, 8-10 क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, हाँ अब बहुत कम हो गया है या फिर बहुत जगह पे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर कर दी है कि बिहार पे स्पेशल फोकस रहना चाहिए, कर लीजिए तैयारी करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए ही। दूसरा, बीपीएससी का अगर लेवल बढ़ा रहे हैं वो, जो गाँव के स्टूडेंट को दिक्कत होगी कोई गाँव में तैयारी कर रहा है किताब लेके, तो उनका बस ये कहना है कि हमको बेस्ट माइंड सेलेक्ट करना है, टैलेंटेड लोग सेलेक्ट करने हैं, कैपेबल लोग सेलेक्ट करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो लेवल डाउन नहीं होने वाला है, अब ये भी क्लियर हो चुका है बीपीएससी की तरफ से, लेवल जो मेंटेन किया बीपीएससी वो रहेगा। क्या पूछ रहे थे आगे? देखिए हाँ बोलिए, दूसरा प्रश्न है सर मेरा, हाँ। कि जो डीआईआर से शुरुआत करने वाले हैं, तो जब से शुरुआत करेंगे तो सर आपकी क्या अपेक्षा रहेगी हमसे कि हम क्या क्या पढ़ के आएंगे, प्रिपेयर करके आएंगे, और सर तीसरा आईआर के बारे में भी सर
ठीक है, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया आप, हम क्वेश्चन ही भूल गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछे आप? साइंस के बारे में पूछ रहे हैं कि बीपीएससी में जो साइंस का 30 क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे तैयारी करें, है ना? तो हम क्या तैयारी नहीं करना है हम पहले वो बता देते हैं। साइंस में आपको ये तैयारी नहीं करना है कि आप बैठ के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू कर दें, फार्मूला सब होता है ना उसमें, फिजिक्स में देखे होंगे, फार्मूला सब याद करना शुरू कर दें, ये गलती नहीं करना है आपको। समझ रहे हैं ना क्या क्या बोल रहे हैं हम? जैसे नाइन्थ का ही फिजिक्स उठाएंगे आप तो उसमें मोशन चैप्टर दिया हुआ है ना, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला दिया हुआ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ऐसे हर चैप्टर में है। तो जो हम बात बोले ना इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, फार्मूला के अंदर नहीं जाना है आपको, फिजिक्स के अंदर नहीं घुसना है, बायोलॉजी के अंदर नहीं घुसना है, वो बस आपका जनरल साइंस पूछते हैं। जनरल साइंस मतलब जो लाइफ में या फिर रियल लाइफ में अप्लाई होता है वही पूछते हैं वो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं वो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में कोर में नहीं जाएंगे, बायोलॉजी के कोर में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री के कोर में नहीं जाएंगे, वो बस सरफेस लेवल जो डेली लाइफ में यूज़ होता है ना, एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको वहाँ पे फोकस रखना है। एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे ना आप तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्चुअल के अंदर जहाँ घुस रहा है ना वहाँ छोड़ देना है आपको, और एप्लीकेशन बेस्ड साइंस जहाँ पे है वो उसको ध्यान देना है। समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम? नाइन्थ टेंथ का करिए, ठीक है? लूसेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था पहले, लेकिन अभी क्या है कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया बीपीएससी का बहुत हद तक। तो लूसेंट से आपको साइंस के जो साइंस या हिस्ट्री या पॉलिटिक इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये दिक्कत हो गई है। 69 बीपीएससी का पीटी का पेपर उठा के देखिए आप लोग, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि लूसेंट का वेटेज कम हो गया है, घटना चक्र का वेटेज कम हो गया है। तो अब उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाई करना पड़ेगा, शॉर्टकट वाला अब थोड़ा सा कम हो गया स्कोप, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? वैसे भी गाइड करने के लिए लोग हैं यहाँ पे, आपको गाइड करके बताएंगे आपको। साइंस में थोड़ा एप्लीकेशन बेस ज़्यादा पूछ रहे हैं हम, तो जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ना तो एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? और अगला क्वेश्चन क्या पूछे थे आप? अच्छा, ये मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं हमसे कि मैथ्स में कहाँ फोकस रखना चाहिए। तो मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट बीपीएससी नहीं पूछता है, बहुत ही मुश्किल नहीं पूछता है, लेकिन मेंस में जो मैथ्स का वेटेज है वो 72 नंबर का है मेंस में, जानते हैं ना आप लोग? जीएस मेंस में तीन पेपर होता है ना, इतना तो सब जानते होंगे। पहले पेपर में क्या क्या आता है? तीन सेक्शन है, पेपर पलट के देखे ना आप लोग? सब लोग देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे तो पहले पलट के देख लीजिएगा, ठीक है? जीएस वन का जो पेपर होता है मेंस में वो तीन सेक्शन में रहता है, एक सेक्शन होता है हिस्ट्री का, और तो बीपीएससी के मेंस में तीन पेपर होता है। पेपर वन के अंदर तीन सेक्शन है, एक तो हिस्ट्री का है, करंट अफेयर्स प्लस डीआई है इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक और सेक्शन हो गया, सॉरी प्लस आईआर हो गया इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पे थर्ड में हो गया डीआई। तो तीन तीन क्वेश्चन करना होता है सब में ना, किस में दो क्वेश्चन करना होता है बताइए? डीआई में सिर्फ दो क्वेश्चन होता है ना, इसमें हिस्ट्री के तीन क्वेश्चन होते हैं, 3 questions 38 मार्क्स का रहता है, कितना 114 नंबर हो गया ना। इसमें भी तीन क्वेश्चन करना है, सेम 38 मार्क्स का है, ये भी 114 मार्क्स हो जाएगा। इसमें बस दो क्वेश्चन रहता है लेकिन 36 मार्क्स का रहता है हर क्वेश्चन, तो ये 72 मार्क्स हो गया। ये 72 मार्क्स, अब देखिए बताते हैं जी एस वन में स्कोर कितना करते हैं नॉर्मली लोग, बहुत लोगों का मार्क्सशीट देखे हुए हैं, बहुत लोगों का मार्क्सशीट जो सेलेक्ट हुए उनका उसके हिसाब से जो एनालाइज़ किया हम, मेरा अपना एनालिसिस है कि जी एस वन में एवरेज स्कोर कितना रहता है कोई बता सकता है? 170 बोल, कोई बोल रहा है 170 रहता है, बाकी क्या लगता है किसी को? 130-140 रहता है जी एस वन में एवरेज स्कोर, बाकी कोई बताइए? फिर भी अच्छा, बाकी वो बताइए? नहीं बताया, 150-160 बोल रहा है कोई, आप लोग बताइए?
कितना रहता है? देखिए एवरेज मार्क्स तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत लोगों का मार्क्स लेके, जो मेरा अपना एनालिसिस है वो हम देखे हैं लगभग 160-165 हम बोल देते हैं इसके क्लोज रहता है, 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे, 160-170 के बीच में एवरेज स्कोर रहता है लगभग हर साल। लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं लोग ना वो देखिएगा तो 165 तो स्कोर करते ही हैं, क्योंकि जो मेंस लिख रहा है सब सेलेक्ट थोड़ी ना होता है, 1:2.5 के रेशियो में सिलेक्शन होता है ना, लगभग 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होता है ना, हर जो लोग मेंस लिख रहा है उसमें से एक आदमी का सिलेक्शन होगा ना, जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो लगभग 165, 170, 175, 180, 185, 190 इतना स्कोर करते हैं वो लोग। तो आपको भी ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जब GS1 का मेंस का पेपर होगा तो हमको कम से कम 180 के आसपास स्कोर करना ही चाहिए, लेकिन हम तो बोलते हैं कि टारगेट रखो 200 का। अब 200 कैसे लाएंगे आप? 200 लाने का फॉर्मूला है मेरे पास पूरा। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखेंगे ना जो मार्क्स मिलता है, अब तो कॉपी सीधा आने लगा है ना, देखेंगे मेंस का कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर देता है, उसे अपना मार्क्स देख सकते हैं आप कि किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स हमको मिला है, पार्ट बाई पार्ट लिखा रहता है उसमें, देखें ना आप लोग। तो पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिलने लगा है। हिस्ट्री क्वेश्चन में नॉर्मली जो मार्किंग करता है वो लगभग 20 नंबर 21 22 नंबर 19 नंबर 18 नंबर ऐसे करता है, देखेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन में क्या खास बात है ना कि लोग रट के चला जाता है, पता रहता है कि बिरसा मुंडा दो ट्राइबल रिवोल्ट में दो दो है, जैसे एक तो संथाल हो गया एक बिरसा मुंडा हो गया, वैसे आर्ट एंड कल्चर में तीन तीन ही क्वेश्चन आता है बस, क्या क्या आता है? पटना कलम, मौर्यन और पाला, ये तीन है ना। तो लोगों को पता होता है कि इसमें से एक, इस आर्ट एंड कल्चर में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ट्राइबल रिवोल्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो लोग उसका ना एकदम बेस्ट आंसर तैयार करते हैं और रट के चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें कॉम्पिटिशन नहीं हो पाता लोगों में, लगभग सबका एक जैसा ही मार्क्स आएगा ना इसमें, जो रट के नहीं गया वो लॉस में है, उसका लॉस हो जाएगा, रट के जाता ही है सब लोग लगभग रट के जाता है। तो इसमें लगभग 20 नंबर के आसपास मिल जाता है लोगों को। अगर हिस्ट्री क्वेश्चन में 20 × 3 करेंगे आप तो 60 नंबर तो एट एन एवरेज स्कोर कर ही लेता है लोग, ठीक है 60 नंबर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है 20 नंबर लाना, लोग 25 भी लाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं 20 तक तो ला ही सकते हैं आराम से। आईआर का जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर्स आईआर का सेक्शन में ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है मार्क्स में लोगों के, बहुत वेरिएशन आने का रीज़न ये है ना कि इसमें एग्जैक्ट टॉपिक नहीं पता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स तो हर साल बदल रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप गेस्ट भी नहीं कर पाएंगे क्या क्वेश्चन आने वाला है, कर पाएंगे क्या? तो इसमें ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों का, इसमें लोग का ऐसा होता है कि 8 नंबर भी स्कोर करने वाले लोग हैं, 38 में से 8 नंबर भी स्कोर किए हुए हैं और कोई 25 नंबर भी स्कोर किया है, ऐसे भी इतना ज़्यादा वेरिएशन है। तो एट एन एवरेज देखेंगे ना इसमें, तो एवरेज जो हम देखे हैं एक जो एक आदमी स्कोर करता है जो कि थोड़ा बहुत उसको आधा आंसर याद है आधा आंसर याद नहीं है, तो नहीं याद होने के बावजूद भी लोग पेज भरते हैं, दो एक ही पेज लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, 4 पेज लिखना होता है कम से कम, तो लोग उसमें ना बनावटी आंसर लिखते हैं कुछ भी, मतलब कि बीटिंग अराउंड द बुश, उसके अराउंड जो क्वेश्चन है उसके अराउंड कुछ भी जो नॉलेज है हल्का फुल्का अपने लैंग्वेज में बना के लिखना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है 15 नंबर मिल जाता है उनको, जो छोड़ देता है ना जो एक पेज या दो पेज लिखेगा उसको 8 ही नंबर मिलेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए मेंस में ये भी ज़रूरी है कि जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो अपने नॉलेज से अपने कॉमन सेंस से अपने लैंग्वेज में भरिए, वो भरने का तरीका भी एक आर्ट है, वो शायद हम आपको कभी एक और दिन बताएंगे कि वो कैसे कम से कम नॉलेज में आंसर कैसे लिखा जाता है, कम से कम नॉलेज के में भी आप आंसर 38 नंबर का कैसे लिख के और कैसे एवरेज प्लस मार्क्स ला सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन करंट अफेयर्स और DI का सेक्शन जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही टॉपिक सेलेक्ट करें, मतलब एक साल में जो करंट में इवेंट्स में चला है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पे हम आंसर को रटें वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, वो सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना आसान नहीं है कि वो टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया जाए। हालांकि 6th-7th का जो मेंस होने वाला था तो उस टाइम हम लगभग 30 के आसपास टॉपिक सेलेक्ट किए थे और कुछ लोग हम सेंड कर दिए थे PDF बना के, और वो PDF इतना सर्कुलेट हुआ मार्केट में ना कि हमको एक दिन अचानक कोई फ़ोन करके बोलता है अरे मेरे पास एक करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा नोट्स मिला है, पूरा टॉपिक है उसमें ये लिखा हुआ है, हमने भेजो, हम देखिए मेरा ही राइटिंग लिखा हुआ है बोले, तो घूमते घूमते मेरे ही पास पहुँच गया वो, बहुत लोग उसको सर्कुलेट किए इधर उधर। उसके बाद YouTube पे कुछ वीडियोस भी देखे होंगे आप, शायद मेरा नाम डालेंगे ना करंट अफेयर्स में तो आ जाएगा, तो उस पर काफ़ी लोग नोट्स मांगते रहते नीचे कमेंट करके लिखेंगे कि सर प्लीज़ नोट्स सेंड कर दीजिए नोट्स सेंड कर दीजिए। अब नोट्स कैसे सेंड करें यार कमेंट सेक्शन में, हम बताइए कमेंट सेक्शन में YouTube में नोट्स जाता है क्या? नहीं आ पाता है।
तो एक यहाँ पे ना एक कॉमन चीज़ हमको देखने को मिला कि करंट अफेयर्स का सेक्शन में वेरिएशन मार्क्स का बहुत ज़्यादा आता है, तो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं इसमें। वो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं जो लास्ट के एक महीना में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उनको बहुत लॉस होता है क्योंकि उस टाइम पे फिर दिक्कत ये होती है कि एग्ज़ाम सामने है, सब कुछ पढ़ना है और करंट अफेयर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़े कैसे जा रहे हैं, कोई मैगजीन खरीद लिया मार्केट से, उसका शुरू से लेकर लास्ट तक सारा पढ़ गए आप, यही गलती हो जाती है वहाँ पर, उसमें आप टॉपिक को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो टॉपिक को सही सेलेक्ट करना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कम से कम नॉलेज में आंसर कैसे लिखा जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है करंट अफेयर्स में, फिर भी हम देखिए जो मेरे स्टूडेंट थे वो हम मतलब सरप्राइज थे कि 192 एक लड़का लाया था, एक लड़का था ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके आया हुआ था, हम भरोसा नहीं हो पाया कि 192 नंबर कैसे ला दिया वो, तो काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म किया वो। तो इसमें करंट अफेयर्स सेक्शन में आप देखेंगे ना तो आप आराम से इसमें 20 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं, समझ रहे ना, 20 नंबर पर क्वेश्चन स्कोर करेंगे तो 60 नंबर आपका आएगा। डीआई में क्या है कि डीआई में अभी तक टोटल मार्क्स कितना हुआ आपका जोड़ के, 120 हुआ ना। अब ये बताइए कि परसेंटेज मतलब कि 38 नंबर में आप 20 स्कोर कर रहे हैं तो लगभग 50% के आसपास एक्सपेक्ट स्कोर किए ना आप, लगभग 50% के आसपास स्कोर कर रहे हैं आप, समझ रहे ना। और वही परफॉर्मेंस आपका डीआई में भी रह जाए अगर 50% वाला, तो 72 में से 36 नंबर ही आएगा आपका, 120 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 156। मतलब आप एवरेज से नीचे चले गए, आप रेस में पीछे चले गए, समझ रहे ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मैथ्स का 4 टॉपिक पढ़ लें आप, मतलब जो हम यहाँ पीछे लिखे थे, सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो 72 में 72 नंबर आ जाएगा। और मेंस में जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है, डीआई का जो क्वेश्चन होता है, वो पीटी से भी ईजी रहता है, आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ को, पीटी में जो मैथ्स पूछता है ना उससे भी आसान मैथ पूछता है मेंस में, बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है, 2 सेलेक्ट करना है, लिख देना है, 72 में 72 लाना है। तो हम तो सबको ये रिकमेंड करते हैं कि मेंस में जब लिखने जाइएगा ना डीआई, तो एक रफ पे पहले सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ठीक है, रफ पे सॉल्व कर लीजिए, फिर फेयर कीजिए, फेयर करने टाइम गलती मत कीजिए आप, मतलब भले ही टाइम एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन फुल मार्क्स लेके आना है उसमें। तो इसमें यहाँ पे ना 72 में 72 लोग स्कोर कर लेते हैं पूरा 72 मार्क्स, तो अब जोड़िए कितना मार्क्स बन रहा है इस केस में, 182 बन रहा है ना, उस स्टूडेंट का इतना ही मार्क्स था जिसका बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ने इतना हमको बहुत एक्स फैक्टर लगा नहीं था उस स्टूडेंट में कि इतना उसको आना चाहिए मार्क्स, लेकिन 192 स्कोर किया। तो डिफरेंस बस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है आपका कि डीआई में थोड़ा भी गलती किए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ पार्ट गलती कर दिया ना डीआई में तो आपका 20-25 नंबर कट गया, 20-25 नंबर कटते सोच रहे हैं कि आप कितना ब्लंडर मिस्टेक कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक और आप गेम से बाहर। अगर वही थोड़ा बहुत गलती आप हिस्ट्री में और करंट में करेंगे ना तो आप गेम से बाहर नहीं होंगे, समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैथ्स में थोड़ा भी गलती करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो हम वही बोल रहे हैं जितने भी सिलेक्टेड लोग को देखे हैं ना वो डीआई में अच्छा परफॉर्म किए हैं, और उनसे ज़्यादा तेज लोग मतलब ओवरऑल बाकी जीएस में उनसे ज़्यादा तेज लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो ज़्यादा तेज थे कुछ लोग ऐसे, लेकिन वो डीआई में गलती कर दी और रेस से बाहर हो गए, आज वो रिजेक्टेड है, बहुत लोग जानते हैं हम, सिर्फ मतलब सारा सब्जेक्ट पढ़े, मैथ्स में थोड़ा गलती किए और बाहर हो गए। आप उनसे आज भी बात करेंगे तो लगेगा कि ये तो पूरा सिलेक्शन वाला लड़का लगता है, इसको सिलेक्शन होना ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा मिस्टेक किया डीआई में और गेम से बाहर, क्योंकि बहुत हेवी मार्क्स का लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, समझ रहे हैं, 30 नंबर आप खो देंगे यहीं पे डीआई में तो कहाँ कहीं के नहीं रहेंगे ना आप। थोड़ा बहुत गलती करिएगा ना हिस्ट्री में तो 20 में से कम करके 20 नहीं देके 18-15 देगा ना आपको, तो 4-5 नंबर का लॉस होगा आपका, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स में गलती करेंगे तो बहुत हेवी लॉस हो जाता है, 15-20-25 नंबर 30 नंबर का लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इसलिए डीआई का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। करंट अफेयर्स का सेक्शन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, टॉपिक सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में वेरिएशन कम है, हिस्ट्री में आप पीटी में भी बहुत ज़्यादा सारा कुछ पढ़ते हैं और मेंस में भी बहुत कुछ आप गेस कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद ज़्यादा पीटी में इंटरेस्टेड हैं अभी क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम सामने है आपका। तो बेसिकली पीटी के लिए कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए हमसे। पीटी के लिए पूछिए कुछ क्योंकि पीटी सामने है ना अभी। अच्छा पीटी के लिए कोई बोल रहा है करंट अफेयर्स बहुत मतलब एक्सपैंड करते जा रहा है बीपीएससी जो है अभी रिसेंट, क्योंकि कुछ लोग कुछ मैगजीन पढ़े गए होंगे और एग्जाम में देखे होंगे क्या क्वेश्चन पूछ दिया यार,
है ना, ऐसा हुआ है ना कुछ, किसी कोचिंग का मैगजीन आप उठा के देखेंगे और देखेंगे बीपीएससी पीटी में तो सारा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, जबकि पहले ऐसा होता था। आप एक सीनियर्स होंगे जो पहले एग्जाम दिए होंगे, वो बताते होंगे कि हम लोग किसी एक एक्स कोचिंग का मैगजीन पढ़ के जाते थे और 30 में से 25 क्वेश्चन मिलता था हमको एग्जाम में। अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया है, 30 में 25 क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, अब क्या करें। तो ये दिक्कत हो रही है ना थोड़ी सी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, करंट अफेयर्स में कैसे करना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए पूछिए आप, मैथ्स के लिए, पीटी के लिए। मैथ्स में बेसिकली कुछ ही सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, उनको बस पढ़ जाना है, एनसीईआरटी लेवल से पढ़ जाइए उसको आप, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी टॉपिक्स, एवरेज, तो यही सब से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी आपको 8th क्लास में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सब दिया हुआ है, ठीक है, और 10th में नहीं मिलेगा आपको शायद ये। तो 8th क्लास में जो एनसीईआरटी है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसका वही चैप्टर खोल के पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए पूरा बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, आपको ये बोल रहे हैं हम, पूरा बुक पढ़िएगा तो फिर टाइम निकल जाएगा ना, 100 दिन बचा हुआ एग्जाम का आपका, तो उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया ना अभी थोड़ी देर पहले कहाँ से क्वेश्चन आता है। एक और चीज़ आप लोग करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट पलट के देखना चाहिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परसेंटेज से क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, हर साल रहता है, प्रॉफिट लॉस से रहता है, डिस्काउंट से रहता है, सब टॉपिक से रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन ये सब से रहता है, उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन रहता है। तो यही सब कुछ फिक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। आप पूरा बुक पढ़े, यही हम बोल रहे थे शुरू शुरू में, बोले थे आपको, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि उनको ना होलिस्टिक प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि आप पूरा पढ़ जाएं। तो आप अगर विद्वान बनने की कोशिश कीजिएगा तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम नॉलेज वाले लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। आपको बस फोकस करना है वहाँ पे जहाँ एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, बस वहीं मेहनत करना है। बोलते हैं ना कि बुल्स आई, बेसिकली वहीं पे टारगेट करना है आपको, समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप उन्हीं चैप्टर को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको हम बता दिए ना चैप्टर का नाम, एक बार खुद से पलट के देखेंगे तो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वहीं से पढ़िए आप। 8th क्लास में मिल जाएगा आपको चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस ये सब, जो रेशियो प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट है, ये सब आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। 9th में देख लीजिए कुछ मिलता है, यहाँ तो 9th में ज्योमेट्री ज़्यादा दिया हुआ है, देखिएगा आप, खास वेटेज है। 10th क्लास में आप देखिएगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछता है ना वो एपी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन एपी के भी पूछता है, तो उसको भी देखिएगा क्लास 10th में। बाकी और बताइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, मैथ्स के क्वेश्चन को। किसी और कुछ पूछना है बताइए, पॉलिटी में क्या करना है ये पूछ रहे हैं। पॉलिटिक में क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं पूछते बीपीएससी, देखिएगा 10 से कम ही क्वेश्चन रहता है, 10 के आसपास ही रहता है, पहले तो 6-7 ही पूछता था, हाँ अभी तो और भी कम, मतलब अब अभी भी उतना ही है लगभग। पॉलिटी में तो ज़्यादा जो है ना आर्टिकल्स पे फोकस करिएगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है, और लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, तो हम तो रिकमेंड करेंगे लक्ष्मीकांत, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ठीक है। लेकिन बीपीएससी थोड़ा चेंज किया खुद को, तो बीपीएससी में जो चेंजेस आए हैं ना वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का नंबर थोड़ा बढ़ा है, तो इतना आप मार्जिन लेके चलिए, कुछ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे आपके। इजी क्वेश्चन हिस्ट्री में ज़्यादा आएंगे आपको, हिस्ट्री में गलती नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ और देखे हैं कि इन्वायरमेंट का सेक्शन बढ़ा दिया है बीपीएससी में, इकोनॉमी का सेक्शन बढ़ा दिया है, पहले इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं आते थे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नहीं पूछता था बीपीएससी, लेकिन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। इसके पहले कभी आपको किसी कोई पढ़ता हुआ नहीं दिखा होगा ये सब चैप्टर्स को, कोई दिखा था पढ़ते हुए, नहीं नहीं था ना ये सब चीज़। 69 से पहले बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब थोड़ा आया है। इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो इन्फ्लेशन पूछ रहा है वो, लेकिन पहले कभी इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आता था बीपीएससी में, अब वेटेज बढ़ गया है, तो आपको इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना, एक नया एडिशन है बीपीएससी में। इन्वायरमेंट का सेक्शन जो ऐड किया वो एक नया एडिशन है बीपीएससी में, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप लोग ना बहुत, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखे हैं, वो पहले एक जो बीपीएससी का पैटर्न था उसमें क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा बस, लेकिन अब क्या है कि बीपीएससी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन डालने लगा है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और ऑप्शन देगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स में से देगा, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 ओनली, ऐसे देता है ना।
तो हमको समझ नहीं आता है कि ऐसे क्वेश्चन देख के इतनी घबराहट क्यों होती है, क्योंकि उसमें भी कुछ नया तो है नहीं ना, बस स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दे दिया है वो। नहीं नहीं एक मिस करने पे सारा कहाँ चला जाएगा, इनफैक्ट वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ओनली वन पेयर कहाँ बीपीएससी पूछा है क्या? वो यूपीएससी पूछता है, पेयर वाइज ऑप्शन बीपीएससी सेट नहीं करता है। ठीक है, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, बीपीएससी में क्या है कि जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, जैसे ऑप्शन दे देगा आपका 1.2, बी दे देगा ऐसे 2.3, वैसे सी ऑप्शन दे दिया 1.3 और डी ऑप्शन दे दिया 1.2.3, ऐसे ऑप्शन देता है ना। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट लिखे होते हैं, ऐसे जो आंसर ऑप्शन देता है वो कॉम्बिनेशन ऑप्शन रहते हैं ना। हम देखेंगे बहुत से लोगों को देख के डर लगता है कि तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ के सॉल्व करें, टाइम ज़्यादा लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, है ना, ये सब चीज़। लेकिन इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होता है सब, आपको इसमें बस एक गलत स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है। आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, ये अगर गलत मिल गया ना ये, तो आंसर फट से निकल जाएगा। एक गलत स्टेटमेंट मिला आंसर निकल जाएगा आपको, जहाँ जहाँ वन है सब कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होता है यार, मुश्किल नहीं होता है। आप लोग डरिए मत इस क्वेश्चन देख के। क्या बीपीएससी पेयर वाला नहीं पूछ रहा है अभी, ठीक है? अच्छा ये मतलब ये बीपीएससी भी पूछा नहीं है पेयर वाला ऑप्शन, लेकिन फिर भी आप ये पूछ रहे हैं कि बीपीएससी अगर पेयर वाइज ऑप्शन बना दे, जैसे ये पूछ रहे हैं कि पेयर वाला भी तो सेम ही हो जाएगा। पेयर वाले में सारे स्टेटमेंट पे डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। एक मिनट, अभी जो था ना कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस जो बना रहा था, इसमें एक गलत मिला, एक स्टेटमेंट गलत मिला आपको, आंसर वहीं निकल गया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको स्टेटमेंट्स को, समझ रहे हैं ना आप? या बाकी स्टेटमेंट के बारे में पता भी नहीं ना आपको, कुछ आइडिया भी नहीं है, तभी आंसर पे पहुंच जाएंगे आप। सब समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं कि बाउंस कर रहे हैं आप लोगों? जैसे मान लीजिए कि पेयर वाइज ऑप्शन अगर रहता, मान ये कट गया, आपको तीन स्टेटमेंट पढ़े आप यहाँ पे, ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स पढ़े हैं यहाँ पे आप, आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है, ऐसा होता है ना, तीन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहला पढ़े कुछ समझ ही नहीं आया, दूसरा पढ़े समझ ही नहीं आया, लेकिन तीसरा पढ़ के लगता है कि तो गलत दिया हुआ है, ठीक है, जैसे तीसरा कटा आंसर आ गया, होता है ना ऐसा? तो हर स्टेटमेंट पर डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना, हर स्टेटमेंट पर आप सही गलत से डिसाइड कर लें वो ज़रूरी नहीं है। सबको पढ़िए, जो गलत मिल जाए उसी से आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो पहला स्टेटमेंट पढ़े आप, कुछ समझ नहीं आया तो डाउट पर रख दीजिए उसको, सेकंड पढ़े डाउट पर रख दीजिए, तीसरा पढ़े कट गया आंसर आ गया, लेकिन तीसरा भी पढ़े और इसमें भी डाउट लग रहा है आपको कि इसमें भी समझ नहीं आया, फिर तो आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना? तीनों के बारे में किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर कैसे करिएगा आप? फिर तो नहीं कर पाइएगा ना। लेकिन हम बताते हैं एक और चीज़, हम इस एलिमिनेशन टेक्निक बेसिकली बात कर रहे थे हम लोग कि एक ऑप्शन कटेगा, एक स्टेटमेंट कट गया तो आंसर फटाफट मिल जाता है उसमें, सारे स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होते हुए भी आप आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप पहला पढ़े सही मिल गया, आपको लग रहा है हाँ ये तो पता ही सही लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? तब नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? इस केस में आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा ना ऐसा रहेगा 1, 2, 2, 3, रहेगा। इस केस में पहला अगर आपको लगता है सही है तो उस केसेस में आपका आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि तीन ऑप्शन में वन दिया हुआ है, इसीलिए जो गलत स्टेटमेंट ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी होता है। गलत ढूंढ लीजिएगा ना तो आंसर जल्दी आ जाता है, सही ढूंढने से आंसर जल्दी नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप इतना श्योर हैं कि वन सही है तो कम से कम इसमें तो वन नहीं है ना, तो बी तो कट गया ना कम से कम, एक ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि आप दूसरा और तीसरा पढ़े और कुछ दूसरा तीसरा पढ़ के आपको पता नहीं चल रहा है कि आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको दूसरा तीसरा के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि सही है गलत है, इस केस में क्या कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद मार दीजिए आंसर, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आंख बंद कर मारिए क्योंकि बीपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है वो, ठीक है, 1/3 है, ओके 1/3 है। ये कैलकुलेशन हम करके दिखाना चाहते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, कैलकुलेशन करके आप बाद में दिखा देंगे, लेकिन अभी आप उसका सिर्फ रिजल्ट बता देते हैं आपको हम कि आप तीन ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन पे अंधा तुक्का मारते हैं ना आप तो 10% स्कोर करेंगे आप उसमें। समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको यहाँ पे।
मान लीजिए कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है एक मार्क्स का, है ना। अगर ऐसा आप तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें एक ऑप्शन कट गया है, ठीक है, एक ऑप्शन, ऐसा तीन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं जिसमें से आप एक 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 ऑप्शन काट दिए हैं, समझ रहे हैं ना, तो कितना सही होगा कितना गलत होगा? नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी में ऐसे बड़े हैं ना, तीन ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास जिसमें से एक ऑप्शन काट दिए हैं, तो तीन तीन हर में तीन ऑप्शन बच रहा है ना, तीन में से तुक्का मारेगा तो 1/3 चांस सही है ना सही होने के। तो तीन क्वेश्चन में से जो तीन मार्क्स का क्वेश्चन था, तो तीन क्वेश्चन में से 1 करेक्ट होगा और 2 गलत होगा, तो एक सही का कितना मार्क्स मिला आपको? एक मार्क्स। और यहाँ पे कितना मिला आपको नेगेटिव? कितना? 0.67, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन ऐसे थे आपके पास जिस जिसमें आपके एक ऑप्शन काट दिए थे, फिर भी आप अंधा तुक्का मारे, तो फिर आपका नेट मार्क्स पॉजिटिव आ रहा है ना, टोटल कितना आ जाएगा आपका? 0.33 आ रहा है ना। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते, तीन क्वेश्चन में आप डिवाइड करेंगे 3 से इसको, तो 0.11 मार्क्स आ जाएगा, है ना, 10%। ये बताना चाह रहे थे कि आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपको अंधा तुक्का मारना चाहिए, उस केस में आप 10% स्कोर कर लेंगे। आप सोचेंगे 10% कहाँ होता है यार, या जीरो या फिर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव होगा, 10% कहाँ से स्कोर कर लेंगे। मतलब हर क्वेश्चन में आप 0.11 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? मैथ्स बहुत मेरा स्ट्रांग है, ठीक है, इसलिए आप डाउट मत कीजिए कि 0.1 कैसे स्कोर करेंगे आप। आपको लग रहा हो कि सही होगा तो एक नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 0.33 मार्क्स मिलेगा, ये ना मिलेगा आपको नेगेटिव में। समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम? लेकिन 0.11 मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन सामने है भाई, इसको 3 कीजिएगा ना, तीन क्वेश्चन आप अटेंड किए थे, 0.11 मार्क्स ऑलमोस्ट 11%, है ना। एक जिस क्वेश्चन में आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए उसमें आप 11% स्कोर करेंगे अंधा तुक्का मारने पे। पूरा कैलकुलेशन किया हुआ मेरा, ठीक है। एक और कैलकुलेशन करके बताते हैं आपको हम, जिस क्वेश्चन में आप जैसे ए बी सी और डी, इसमें आप दो को काट दिए हैं ना, आपको पता चल गया है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं है, दो ऑप्शन बच रहा है, इसमें भी तुक्का मारना चाहिए। इस केस में पता कितना मार्क्स मिलता है आप लोग को? 50-50 था, नेगेटिव का बैलेंस करें कितना मिलेगा? 0.67 मार्क्स, 0.33 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। इसमें आप स्कोर करेंगे 0.33 पर क्वेश्चन, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे हम, कलेक्ट किए हुए हैं पता है हमको, ठीक है। ऑलमोस्ट 33% स्कोर कर लेंगे आप, 50-50 आपको लग रहा हो कि 50% मार्क्स आ जाएगा, नहीं, नेगेटिव बैलेंस भी तो होगा कुछ क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं हम? इसलिए अंधा तुक्का मारना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी जो 1/3 नेगेटिव दिया है ना, ज़्यादा नहीं है, आप लोग लगता है ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। 1/3 देने का मतलब क्या होता है, चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप, चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सब में ए लगा दिए, ठीक है, सही होने के चांसेस क्या होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से? चार में से एक सही होगा, तीन गलत होगा, ये ना होगा, समझ पा रहे हैं ना आप? 1 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट। एक करेक्ट का कितना मार्क्स हुआ? 1 मार्क्स। और 3 इनकरेक्ट का मार्क्स कितना हुआ? नेगेटिव 1 मार्क्स। तो 1/3 नेगेटिव का मतलब होता है 0 मार्क्स स्कोर करेंगे आप, है ना। बीपीएससी 1/3 इसलिए सेट किया है ना, ताकि आपका तुक्का मारने पे, गेस करने पे आपको 0 मार्क्स बने, समझ रहे हैं आप? लेकिन आपके अगर चांसेस, आप चार में से कोई भी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो उसमें आपको गेस करना चाहिए, मैथ्स प्रोबेबिलिटी सपोर्ट करता है आपको वहाँ पे, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मार सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप कितने ऑप्शंस एलिमिनेट किए हैं उसमें। आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करके करिएगा ना, तो आपका सिर्फ 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप गेस करेंगे तो आपका 33% के हिसाब से केस इंक्रीमेंट होगा, समझ रहे हैं ना? तो दो ऑप्शन एलिमिनेट करना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज़ी से, एक में 10% 33%, तो बहुत सडन मार्क्स का जंप होता है अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले तो। ऐसे क्वेश्चंस में पता नहीं आप लोग सिंक कर पा रहे हैं कि नहीं चीज़ों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए एक और चीज़ बता रहे थे यहाँ पे, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको 40 क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा एग्ज़ाम में, ऐसा होगा 40 क्वेश्चन कम से कम नहीं आएगा, हो सकता है कि 50 या 60 क्वेश्चन भी ना आए, लगभग 60 क्वेश्चन जो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि नहीं आता लोगों को।
लेकिन उस 60 क्वेश्चन में ना क्या करना पड़ता है कि आपको ये सब करना पड़ता है, एक आ एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो उसमें तुक्का उक्का लगाना पड़ता है, उससे भी मार्क्स बढ़ता है आपका, नेट इंक्रीमेंट होगा। अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन है आपके पास जो नहीं आता है आपको, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपको आता है, 60 नहीं आता है 60 क्वेश्चन में, लेकिन 90 भी एग्जैक्टली सबको कॉन्फिडेंटली आए वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं 90 आता है आपको, 60 क्वेश्चन नहीं आता है। इस केस में आप अगर एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं आप, तो इस केस में टोटल मार्क्स कितना बनेगा आपका बता सकते हैं? अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए सब में, ए बी सी या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, कितना? 6.6 नहीं, कितना कितने क्वेश्चन सही होंगे इसमें से? 1/3 के ज़्यादा सही होगा ना, हर 3 में से एक क्वेश्चन सही होगा, तो 20 क्वेश्चन सही होगा करेक्ट और 40 इनकरेक्ट। 20 क्वेश्चन सही होने के मार्क्स कितना मिला? 20 प्लस 20 मार्क्स, इफ वन ऑप्शन एलिमिनेटेड, 6.6 मार्क्स। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और 3 में से गेस कर रहे हैं, इसमें कितना बच जाएगा आपका? -13.33 3 मार्क्स, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो टोटल मार्क्स कितना बना आपका? 6.67 प्लस में 6.67 बन जाएगा, ठीक है। बताना ही चाह रहे हैं ना, 90 से ज़्यादा नहीं आता है लोगों को, एग्जाम ऐसा होता है कि तो 6 नंबर ना आपको आपको सपोर्ट करेगा प्रोबेबिलिटी, तो 96 नंबर आपका बन जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? बोलिए, तो थोड़ा और कैलकुलेशन करके बता देते हैं फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है ना, इसलिए 3 ऑप्शन में टिक करने में घबराना नहीं है, समझ रहे हैं ना, मार देना है। आगे आइए, एक और ऐसा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कि किसी क्वेश्चन में आप जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से आपको पता है कि ए और बी तो गलत है, अब सी और डी में से क्या करें, मारे कि नहीं मारे? बहुत लोग इसमें छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आंसर टिक नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है टिक नहीं करना उसमें, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि 2 ऑप्शन में आपको डाउट है कि सी में क्या होगा और डी में क्या होगा, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आंख बंद करके मार दीजिए किसी को, हम बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे इसमें आपको कितना मार्क्स दिला देगा। 60 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, मान लीजिए कि 60 के 60 क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन में, तो कितने सही होंगे कितने गलत होंगे क्वेश्चन? 30 सही होंगे ना, 30 क्वेश्चन करेक्ट होगा और 30 क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? 30 क्वेश्चन करेक्ट का कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? यानी कि +30 मार्क्स, और नेगेटिव इसका कितना हो जाएगा? -10 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया आपका? 20 नंबर आप वहाँ से स्कोर किए जहाँ पे आपको कुछ नहीं आता था, ठीक है ना, ये 20 नंबर कम थोड़ी होता है एग्जाम में यार, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना किसी को? तो आपको ना एलिमिनेशन सीखना है, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे ना तो बहुत तेज़ी से मार्क्स बढ़ता है, बहुत तेज़ी से, बिना बिना नॉलेज का छोड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है क्लियरली हम क्या बता रहे हैं? कोई बोलता है कि हम 150 में 150 अटैम्प्ट कर दिए हैं, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ी की हो, बाकी लोग ऐसा बोलते होंगे, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 150 अटैम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना, मार देना चाहिए, सोचना ही चाहिए। और जब 1/4 नेगेटिव था ना, तो हम तो पहले ही बोलते थे 1/4 नेगेटिव था 68 में, 150 ही अटैम्प्ट करके आना, एक भी कम मत करना, क्योंकि 1/4 नेगेटिव में आप अंधा तुक्का ही मारिएगा ना, तो नेट पॉजिटिव ही बनता था उस टाइम, 1/3 में 0 बनने लगा नेट अंधा तुक्का मारने पे, 4 में से 1 ऑप्शन, लेकिन 1/4 में नेट पॉजिटिव बनता था। अब BPSC बैलेंस कर दिया 1/3 करके कि 4 में से अंधा तुक्का मारेंगे तो 0 बनेगा, और 3 में से 1 ऑप्शन एलिमिनेट करके 3 में से आप ऐसे गेस कर रहे हैं आप, तो 10% या 11% पर क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ेगा आपका मार्क्स, है ना, उस क्वेश्चन का 10% के हिसाब से। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं अगर आप, तो उसमें 33% के हिसाब से आपका इंप्रूवमेंट होगा, और 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, एक ही बचा है तो फुल मार्क्स मिलेगा उसमें, है ना। तो बेस्ट तो ये होगा कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक आंसर सही मार दे आप, यानी कि पढ़ ले, है ना, बेसिकली वही ना, वहाँ 3ों एलिमिनेट हो जाए मतलब क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता रहे थे हम,
जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है, पहला आपको पता सही है, इसके बेसिस पे आप आंसर टिक कर सकते हैं क्या? अच्छा बी नहीं हुआ ना, एक ऑप्शन कटा है यहाँ पे, मान लीजिए ये तो कट गया, हाँ वन सही है तो ठीक है, लेकिन अब अभी भी तो आंसर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वन तो कईयों में है ना, आंसर नहीं सेलेक्ट कर सकते ना अभी आप। चलिए एक फिर से एक चीज़ और पूछते हैं आपसे हम, आपको पता है कि वन तो गलत है, तब आंसर मिल जाएगा ना आपको, इसीलिए नेगेटिव जो गलती गलत स्टेटमेंट खोजने पे ना आंसर फटाफट आ जाता है, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट होगा, आंसर फटाफट मिल जाता है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही ना है। लेकिन आपको अगर लगता है कि पहला वाला सही है तभी आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वन तो कईयों में है ना, तीन ऑप्शन में वन है, एक ऑप्शन कट गया आपका, टू और थ्री पढ़े कुछ समझ नहीं आया फिर भी तुक्का मारना है, समझ में आ रही ना बात क्या बोल रहे हैं हम, किसमें मारना है आपका मर्जी। तो अब आगे चलते हैं, सेकंड पढ़े और सेकंड गलत हो गया तब आंसर आ जाएगा ना आपका, क्लियर है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी इस केस में, आंसर आ जाएगा ना। लेकिन अभी आप क्या हुआ कि इसमें पता चला कि दूसरा भी सही हो गया, तब आंसर आएगा, हाँ कि वन और टू, वन और थ्री तो कट जाएगा ना ये वाला, दूसरा सही है तो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई सिखाएगा नहीं जल्दी आपको जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो दूसरा नहीं है ना इसमें, दूसरा नहीं है ना इसमें, यू बीपीएससी कभी ऐसा नहीं करेगा कि सही स्टेटमेंट को ऑप्शन में ना दे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सही स्टेटमेंट को आंसर में देना ही है उसको, ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएगा, खेल नहीं करेगा आपके साथ में। आगे चले, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा बीपीएससी नहीं करेगा कि दूसरा सही हो जाए और ऑप्शन में ना दे, ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज, कट गया, अभी 50-50 पहुंच गया आप, अब क्या करना है, अंधातुका लगा देना है, समझ रहे हैं ना, अब यहाँ पे आप अंधातुका लगाएंगे ना तो 33% के हिसाब से स्कोर करेंगे इसमें, आप कैलकुलेशन करके दिखाएं ना आपको हम, कोई डाउट है किसी को, किसमें तुक्का मारेंगे आपकी मर्जी है अब इसमें, लेकिन एक चीज़ और आपको बताएंगे कि किसमें तुक्का मारना चाहिए, पता नहीं आप लगता है एलिमिनेशन का ही क्लास लेने आ गए क्या आज हम, एलिमिनेशन पे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री का क्वेश्चन जब हो ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि तीनों स्टेटमेंट सही होने के चांसेस कम रहते हैं, तो वन टू थ्री के सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हिस्ट्री है फैक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन में ना गलत स्टेटमेंट भरता है वो जानबूझ के नॉलेज चेक करने के लिए, समझ रहे हैं, तो उसमें डी कट जाएगा और ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन में खासकर ऐसा होता है, साइंस के क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, साइंस में अगर स्टेटमेंट दे रहा है, साइंस में ज़्यादातर स्टेटमेंट सही ही होते हैं, तो उसे मारिएगा आप डी, समझ रहे हैं, दो में कैसे सेलेक्ट करना है, कुछ आइडिया लग रहा है हर किसी को, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है, डेटा नंबर्स दिया हुआ है, उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस केस में क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स को, आपको चेक करना है कि इसमें ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ बताएं आपको पटना से लेके दरभंगा का डिस्टेंस 170 किलोमीटर है, तो आप हम अभी एक स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप वहाँ बताइए सब लास्ट में कि आपको क्या लगता है सही बोले हैं गलत बोले हम, ट्रू और फॉल्स, हाँ एक मिनट आप बताइए वहाँ पे बीच में, पटना से लेकर दरभंगा का डिस्टेंस 170 किलोमीटर है, क्या लगता है सही है गलत, हाँ बताना मुश्किल है ना ये सवाल, क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं है, पढ़ी नहीं है, आपको क्या लगता है क्या बोले आप, अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, आपको नॉलेज है इसलिए आप इसको कर पाए हैं ना, आपको नॉलेज नहीं इसलिए नहीं कर पाए आप, ठीक है, अब हम ऐसा बोलते हैं लखनऊ से लेके मिर्ज़ापुर का जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर है, आप बताइए क्या लगता है, आप बताइए कुछ बोलिए, लखनऊ से लेके मिर्ज़ापुर का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है, क्यों गलत है, नहीं हम ऐसे आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो मेरे माइंड को रीड कर रहे हैं ना अभी, लेकिन हम वहाँ बोले कि 346 किलोमीटर बोल दे, 346 किलोमीटर, देखिए हम बताते हैं क्या है, ऐसे जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको सही होने के चांसेस इसलिए कम हो जाता है कि कोई लेके अगर वहाँ पे अगर अगर
वहाँ पे रोड का डिस्टेंस चेक करना शुरू करेगा ना, तो वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई नापेगा 346 आएगा, किसी को 349 आएगा, किसी को 353 आएगा, किसी को 340 ही आएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इतना मार्जिन चेंजेस आ जाता है, एग्जैक्टली सही देना उसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा वो क्वेश्चन। कोर्ट में चैलेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि चार जगह चार वेबसाइट दिखाएगा डिस्टेंस में मार्जिन, समझ रहे ना, डिस्टेंस में मार्जिन थोड़ा थोड़ा दिखाएगा चार वेबसाइट, तो क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन सेटर है ना वो हमेशा गलत ऑप्शन सेट करता है उसमें, हमेशा एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलेंगे हम लोग। गलत ही है क्योंकि कोर्ट में चैलेंज होगा क्वेश्चन, वो चार जगह चार तरह का डेटा दिखाएगा ना आपको, समझ रहे हैं? तो वैसे ही फैक्ट वाले क्वेश्चन को काटना होता है, जिसमें ज़्यादा फैक्ट है जिसमें ज़्यादा डेटा है उसको काटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लोग लगता है कि हम लोग ट्रैक से हट गए हैं, शायद आप लोग को पता नहीं कि शायद ये सब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा एक एलिमिनेशन का ना पूरा एक ये टेक्निक होता है, ऐसे ना बहुत सारे टेक्निक होते हैं ऐसे, यही बात नहीं है सिर्फ, इससे और ही बातें हैं। जैसे हम बोले कि योर टीचर इन दिस क्लास एम्स टू मेक इंडिया $5 trillion इकॉनमी। हम जो मान लीजिए कि आप बैठे हुए फर्स्ट बेंच पे, आप क्या नाम है आपका, क्या नीतीश, नीतीश वांट्स टू मेक इंडिया $5 trillion इकॉनमी, तो आप बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा, यहाँ बैठे हुए हैं कहाँ से इंडिया को इतना बड़ा। नीतीश एम्स टू मेक इंडिया $5 trillion इकॉनमी, तो आप बताइए क्या लगता है सही है गलत? फॉल्स है ना, यहाँ बैठे हुए हैं कहाँ से कर देंगे। लेकिन आप बताइए कि आप अगर आपको आपको बोला जाए सोचने के लिए, तो आप क्या सोचना चाहेंगे इंडिया $5 trillion की इकॉनमी? नहीं, आप चाहेंगे ऐसा हो इंडिया? वो चाह सकते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहना है बस, सोच देना है बस, हाँ ठीक है चाहेंगे हम। सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतना ब्रॉड है ना, आप सोचेंगे तब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस चाहते हैं ऐसा हो, करें नहीं करें अलग बात है, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन के वर्ड्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नीतीश एम्स टू मेक इंडिया $5 trillion इकॉनमी, एम्स, ही एम्स टू मेक इंडिया, ठीक है, उसके लिए करे कुछ करे नहीं करे अलग बात है, ये स्टेटमेंट सही होता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए हटाइए, हम लोग ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे, हो सकता है कि बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग। पूछिए, ठीक है बताइए। ठीक, नहीं नहीं, आप आगे आप कंप्लीट कीजिए बात में, जल्दी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इंटरव्यू का बात तो बाद में होगा, पहले पीटी निकल जाए ना। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा अभी, लेकिन ठीक है आप सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू करें बात करेंगे अभी तो, है ना? आगे कुछ और पूछिए, पीटी से रिलेटेड, पीटी एग्जाम पास में है ना आप लोग का, मेन से ही पूछना पूछ सकते हैं, कुछ और पूछिए आप लोग, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे जल्दी से। आप देखिए मेरा नोट्स लेके क्या करिएगा आप, एग्जैक्टली मेरे नोट से क्वेश्चन आ जाए कोई गारंटी तो है नहीं। मेंस का नोट तो हम दिए हुए हैं ना, करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का नोट तो हमेशा चेंज होता है ना हर साल, दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना वो चेंज हो जाता है हर कुछ समय पे, ठीक है, ठीक है बात कर लेंगे। कुछ और पूछना है किसी को? मेंस में कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप कुछ ही टॉपिक पे ध्यान दीजिए, सब जगह ध्यान मत दीजिए। पीटी में जो करंट पढ़ते हैं ना आप, पीटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोग, क्योंकि वन लाइनर है ना, फैक्ट है, एक लाइन में करंट अफेयर्स रहता है, तो अभी पीटी का करंट मेंस में काम ही नहीं आएगा, अभी जो पढ़ रहे हैं ना पीटी का करंट, वो तो क्या रट रहे हैं कि इस इंडिया का इस ये समिट कहाँ हुआ, वो समिट कहाँ हुआ, ये मीटिंग कहाँ हुआ, ये मिनिस्टर कहाँ गए थे, ये सब मेंस में थोड़ी पूछता है, सब नहीं पूछता है ना। कोई ये आप ये पूछ रहे हैं कि मेंस के लिए करंट अफेयर्स या फिर मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट अभी हम तैयार कर सकते हैं क्या? ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका पीटी की तैयारी कितना अच्छा है। अगर पीटी की तैयारी में लगता है, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन पीटी को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। मेंस के लिए टाइम दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेंस में अभी देख रहे हैं ना
सिर्फ 2.5 महीना मिलता है ना, अब तो 3 महीना मिलता है, उसमें तो 1.5 महीना रिजल्ट आने लग जाता है। 3 महीने में जो है 1.5 महीना बाद तो रिजल्ट आता है ना, 1.5 महीना बचता है, तैयारी कहाँ होता है उसमें। और कितना भी एक से एक अच्छा लोग को देख लिया हम, जो पीटी रिजल्ट आने के डर से तैयारी नहीं करता है मेंस का, बस वेट करता रहता है कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। और पता चलता है कि रिजल्ट आ गया, सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना में कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा मेंस के लिए। हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन की वजह बात कर रहे थे ना, एक दिन और आपको बात करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बेस बन जाए, पहले बेस बनेगा तभी ना इसमें बात कर पाएंगे, अभी हवा हवा लगेगा सिर्फ, आपको समझ रहे हैं। थोड़ा बेस बनाइएगा तो एलिमिनेशन में बात करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो आप लोग बोल रहे थे कि डर लगता है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे गेस करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आपको बहुत कम समय एक दिन और लेके अब बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है, आप जो पूछ रही हैं कि सी या ए में से, ये नहीं है, आप जो बोलिए ना, इसमें हम लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं, आप बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं आप। इसमें पहले हम लोग को भी लगता था कि मतलब बी और सी में से चांसेस ज़्यादा रहता सेलेक्ट सही होने का, तो हम इसे बहुत काम किए, तो पता चला किसी एक साल में कैलकुलेट किए तो ए का ही ज़्यादा नंबर आ गया, 1/4 से ज़्यादा ए आ गया, मतलब जितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए ना। तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ईयर टू ईयर वेरी करता है कि बी या ए या सी या डी, जो आप जिस टाइप की एलिमिनेशन की बात कर रही हैं ना, वो एलिमिनेशन नहीं है, ठीक है, वो कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो क्या नहीं, उस टाइम हमारे टाइम भी 5 ऑप्शन जब हुआ करता था ना, ई मोर देन 1 या नन, तो ई वाले आंसर्स बहुत कम होते थे उस टाइम पे, बहुत ही कम होता था। वो ई इसलिए दिया था बीपीएससी ना, कि कोर्ट में चैलेंज ना हो, क्वेश्चन ड्रॉप ना करना पड़े क्वेश्चन को, ये सब दिक्कत था हमारे टाइम पे। पहले बीपीएससी जब होता था ना, तो रिजल्ट आने में बहुत समय लगता था, क्योंकि कोर्ट में कोई चैलेंज होगा, क्वेश्चन सुनवाई होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, दिक्कत होता था उस टाइम। और किसी को पूछना है, कुछ पूछना है, वाइंड अप करें फिर हम लोग, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं क्विकली। हम लोग क्या डिस्कस किया आज, पीटी में डिस्कस किए कि पीटी का कवरेज बढ़ गया है ना, क्विकली हम लोग वाइंड अप करेंगे। पीटी में कवरेज बीपीएससी का बढ़ गया है, मतलब आपको होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा पीटी में, शॉर्टकट वाला तरीका नहीं रहेगा। लूसेंट और घटना चक्र का वेटेज कम हो गया है ना, साफ साफ देख चुके हैं, तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जो गाइडेंस मिल रहा है आपको, आपको होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले तो पूछा ही नहीं बीपीएससी, तो पूछेगा ही नहीं, ये अब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब बीपीएससी नया ट्राई करने लगा है, समझ रहे हैं ना। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप लोग बांध लेते हैं खुद को कि यही कोर एरिया है, इसी जगह हमको पढ़ना है, तो अब ये थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। बीपीएससी अपना कोर एरिया को एक्सपैंड कर रहा है, तो आपको कुछ और भी चीज़ जो मिल रही हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। और मेंस के लिए हम लोग ये डिस्कस किए कि मेंस में सब्जेक्ट्स जब आप देखें पेपर वन में हिस्ट्री प्रेडिक्टेबल है, क्वेश्चंस उसके बहुत सारे मिल जाते हैं। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उसको गेस कर पाना मुश्किल है क्वेश्चन क्या आएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चन आसान आते हैं, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन गलती किए तो आप बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैथ्स का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है मेंस में। तो क्विकली हम लोग बस यही सब चीज़ें डिस्कस किए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, वरना फिर ख़त्म करते हैं। अब तो यही लगता है ना, कोचिंग से, अब कोचिंग के मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आ रहा करंट में, तब तो रियलाइजेशन यही होता है ना कि हम लोग को मैगजीन पढ़ना चाहिए या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही फ़ायदा हो और कोचिंग के मैगजीन से उतना फ़ायदा ना हो। कोचिंग की मैगजीन अपने हिसाब से सेलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्टिव करंट उठाती है, लेकिन पेपर आप पढ़िएगा ना तो हर कुछ कवर होता जाएगा, पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली पेपर में लिए बता पाना मुश्किल है कि कौन सा पेपर आप पढ़िए, ठीक है, आप एक बार और डिस्कस कर लीजिएगा फैकल्टी से कौन सा पेपर पढ़े, लेकिन पेपर पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए आपको, वही आप बेस्ट कवरेज देगा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर, ठीक है।